पहला क्वार्टर फाइनल मैच है ऑल पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर पीस कप फुटबॉल टूर्नामेंट का। उन्होंने वो दोनों को पता है कि आज की मन धन की बाजी लगानी है। रात को भी उनके ख्वाब देखते हैं बैठे हमारे पाकिस्तान के फैन अली मोहम्मद बरकी और कमर जमान आतिश मिकलाना हमारे मुनीर खान और के तमाम साथियों को वेलकम कहते हैं। मैच का आगाज हो चुका है। ये है हसनैन सात नंबर की स्टार्टिंग और हसनैन को सब जानते हैं जहां हमारी टांग की सरजमीन पे कई मरतबा आतिश टांग के साथ खेल का हिस्सा बन गई और फिर भी वैसे भी हम उन्हें उनके अच्छे खेल के लिहाज से काफी टूर्नामेंट में काफी इवेंट में उस्मान और लूलर उनके साथ ही जो पहले मैच में अपना खेल और ये है राकेश जिन्होंने लगाया अपना खेल दिखा चुके हैं। आज वही जवान है लेकिन आज जो उनके मदे मुकाबले क्लब है यकीन जाने भाई गुलदस्ता है गुलदस्ता हर लिहाज से। आज ऐसा गुलदस्ता हमारे कुहाड़ के क्लब में पाया गया कि हम ये नहीं कर सकते और ये है जवाब जिन्होंने दूर से गोल गोल को निशाना लगाया माहौल बिल्कुल तैयार थे दोनों के गोल कीपर मामो अहम हुआ। तो भाई गुड न्यूज है आपके लिए गुड न्यूज है हमारे प्यारे की है वो ग्राउंड में कदम रखेंगे चांदी देर बाद। तो ये मुल्तान का क्लब अभी अभी पहुंचा है और वहां पहुंचने वाले हैं राइट आउट कुहाड़ के लेकिन मेरे ख्याल हफ्ता क्वार्टर फाइनल दी सेमीफाइनल दी अभ्या दे देना बाद फाइनल दा उम्मीद लगे इंशाल्लाह चशा माहौल गोविंद और कार्नर किक लगाने की तैयारी लगा रहे हैं कुहाड़ की जानब से उनके खिलाड़ी यहाँ मोगो एरिया में तमाम मौजूद हैं। खूबसूरत कार्नर लगा लेकिन उससे ही अच्छा और खूबसूरत हेड लगा के क्लियर कर दिया। तो यंग अलेवन बन के रसूल खान जिन्होंने लंबी क्लियरेंस की और इस जानब हमारे अदनान मरवत 12 नंबर की शर्त में बीच में आए बनों के खिलाड़ी ये शमीम पहुंचे गेंद तक और नानी नो शामिल संभलते संभलते बनों के खिलाड़ी काफी खतरनाक मोमेंट के साथ ऐसे हाथे में दाखिल हो चुके हैं कि अगर शान कदम आगे जाते तो यकीन जाने भाई कुछ ना कुछ और उनका पूरा ग्लाव तो सबको वेलकम कहते हैं खुशामदीद कहते हैं दिल की अथाह गहराइयों से इंशाल्लाह मैं डंके की चोट पे कहता हूँ इन जवानों को जो खलूस जो मोहब्बत जो फुटबॉल की दुनिया का रंग यहाँ देखेंगे मैं ये कहता हूँ डंके की चोट पे तमाम जो मैं आबाई इलाके को भूल जाएंगे उनका दिल कहेगा कि हर साल आते रहें और जब इस जमीन पे अपना फन अपना खेल अपना टेक्निक अपने मोमेंट और अपना मंजलत और खूबसूरत अंदाज दिखाते रहे। तो ये गए बनों के खिलाड़ी खूबसूरत अंदाज से उन्होंने मैनेज कर दिया चंद कदम आगे गए यंग इलेवन दोनों के खिलाड़ी अपने हिस्सादी को दे दिया लाइन को प्रश्न कर जा रही ये है हसनैन हसनैन से उनके साथी और दोबारा हसनैन को फोकस किया है लंबी क्लियरेंस कर दिया है गोल माइक और वहां मौजूद है हमारे जमील आते जमील आते से अगर मौका मिला किसी को माफ नहीं करेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे और हेड लगा और नादिन और शामी क्लियर कर दिया अब नंबर है दोनों का मैं बता चुका हूं मैं इस माहौल की जानब यंग इलेवन दोनों की कार्रवाई जारी है और यहाँ राशिद मौजूद है काफी डेंजर मैन है और हर आदमी और सामने अच्छा हमला किया निशाने से नाम है भाई और जो भी कैसे ताल्लुक रखने वाले हैं ये राशिद भाई वहाँ अलमान है भाई जवानी वर्सेस जवानी टूर्नामेंट की आवाज है किस तरह हम पहला मैच खेलेंगे और अली मोसामी वहां मामूना है वो अभी से एनालिसिस कर रहे हैं अभी से तजिया लगा रहे हैं पंजाब को
यकीन जाने भाई मेहनत दरकार होगी, टीम वर्क दरकार होगी। और जिस तरह के आप देख रहे हैं आज के मध्य मुकाबले के नाम को स्टार्ट से वो काफी खूबसूरत अंदाज अपनाए हुए हैं। ये अलना लंबी क्लियरेंस कर दी अपने साथी, उस साथी की जा रहे जो हमारे फकरे डांग जमील आदर्श के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं, खूबसूरत है। और ये है हसन है खिलाड़ी, छोटे छोटे पास देते हुए राइट आउट की पोजीशन पे पहुंचे, राइट हाफ सॉरी राइट हाफ ने वरुण रैन की जानों का गेम है मेरे ख्याल में, या फिर राशिद है कौन है भाई हमारे फुटबॉल के अंशों जवान तो देखते जाए सही का इंतजार हम के खिलाड़ी कौन लगाएगा। मेरे ख्याल में पूरी तरह से फुल एक्शन में है राशिद भी एक्शन, शहीद मुराद की हिसाब का इंतजार दुनिया के मुताबिक सोचा। देखा आपने आपके चाहने वालों ने आपका किस तरह साथ दिया, मोहब्बत बड़ा साथ दिया, गूंज उठी, क्लैप्स लगाए, नारे लगाए और आपके हाथ में लगा लिए सने भाई, इसे कहते हैं प्यार और मोहब्बत बड़ा माहौल। अब आते हैं खेल की जाने, ये गए लगा दिया लेफ्ट आर्मी में विशाल पेश करते हैं, इतना खूबसूरत माहौल परसों आपको अपना खूबसूरत अंदाज दिखाएंगे जब हमें प्रोग्राम मिलेगा कि उनका मैच कब है किस दिन है, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूं भाई, पंजाब की सरजमीन से हमारे आने वाले ये शेर हमें दिखाएंगे, यकीन जाने भाई जो तवक्कुआत हमें है, जो उम्मीदें हमें हैं, जो शकील भाई और सईद मुराद ने हमें बताया कि हूँ तो सब ताल्लुकात बलाए ताक रख के मैं बराबरी की सतह पे सबका साथ दूंगा। ये है अदनान मरवत, अदनान मरवत ने लगा दिया लंबी क्लियरेंस कर दी। और इसी तरह राइट हाफ के साथ साथ दोनों के खिलाड़ी तेजी से पहुंचे और उन्हें जरा कंफ्यूज कर दिया, इसलिए माशाल्लाह माहौल। और यहाँ फॉरवर्ड लाइन पे जमील को आज फोकस किया हुआ है, बिल्कुल मैन टू मैन उन्हें कवर किया हुआ है कि यही खिलाड़ी है, अगर एक दफा बागी हो गया तो फिर रोकने वाला कोई नहीं होगा। ये हमारे जमील आदिल हैं, जिस सर जमील पे गया जहाँ गया, जिस उम्र में खेला, न सिर्फ अपना नाम सुना ये सब छोड़ दो भाई, जो आगे जाएगा वही बुलंदियों तक पहुंच जाएगा। तो कामयाबियां किसका कदम चूमती हैं, कामयाबियां किसका इंतजार करती हैं, जो हमेशा आगे का सोचे, आगे जाके अपनी टीम वर्क को मुनज्जम करे, तब कहीं जाके उनकी बात बनती है। तो फिलहाल हमारे पीजी रशीद साहब वेलकम कहते हैं दिल के तागिराय से क्लियर कर दिया। शटर हाँ वर्षे शटर हाँ दोनों के खिलाड़ी आहिस्ता रंग बदल रहे हैं, हमारे काबिल कदर साथी, हमारे चीफ गेस्ट, हमारे मेहमान खास किसी तारुफ के मोहताज है, आपकी दहलीज पे आपके हजूर होंगे, हमले जारी है, वाह सनी बिल्कुल भाई, कोई टुकड़ा के लिए, कोई अटैक के लिए आने वाले गेम का इंतजार है, ये लगाओ आप और लगाने वाले हम तैयार हैं, बिल्कुल मिस कर दिया, दो और के सामने आएंगे इससे पहले ये मूवमेंट बना के लगाने वाले ने तमाम मेहनत पे पानी फेर दिया, लाने के लिए तैयार है पूरी तरह से तैयार। मैं न सिर्फ तरक्याती पैकेज के लिहाज से माला माल करूंगा बल्कि स्पोर्ट्स की दुनिया में वो तरक्की दूंगा जो आपके जहन से बिल्कुल बारा उतार होगा। तो वेलकम कहते हैं अपने रमजान खान शोरी को, उनके साथ आने वाले उनके तमाम दोस्तों को दिल के तागिराए से, तो इंशाल्लाह बेहतरीन का आरंभ होगा वक्त आने पर। लेकिन अब वक्त है स्पोर्ट्स की दुनिया का, यहाँ दोनों
पर प्रहार कर सकता का राइट आउट की पोजीशन पे राशि लगाते लगा के वहां आप सब इनकी अमानत में रमजान खान शोरी कहते हैं जब तक अल्लाह पाक ने जिंदगी दी है मैं अपने काम के पीछे हुए आवाम के लिए उनके हकूक के लिए हर प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाऊंगा उनका साथ दूंगा और बिल्कुल ऐसे हैं भाई हमारे रमजान खान इनकलाबी जवान है इनकलाबी और आज वो स्पोर्ट्स की दुनिया में हमारे मेहमान बने इस बात का सबूत दे दिया तो जहां भी टाक की आवाम का दिल लगे जहां भी टाक के आवाम को माहौल मजा दे रमजान खान कहते हैं मैं उनका शाना बशाना साथ दूंगा तो हमारे काबिले कदर चीफ गेस्ट हमारे मेहमान खास रमजान खान शोरी का खूबसूरत तारफ हुआ और हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह तो जो भी उनका आना जाना उनका तावन हमारे साथ रहेगा तो ये गए लेफ्ट आउट की पोजिशन पे डाज करते हुए यंग 11 दोनों के खिलाड़ी कभी दाएं जा रहे कभी बाएं जा रहे मुड़के मुड़के आखिरकार क्या हुआ मेरे ख्याल में कंट्रोल है प्रहार का उठो है उठो ये हसनैन हसनैन ने दे दिया अपने साथी को सेंटर हाफ ने वो सेंटर हाफ को बाल एक मतलब फिर हसनैन के पास आए हसनैन के बाद राइट आउट की पोजीशन पे गए यंग 11 दोनों के खिलाड़ी अंदर काबिल होना चाहते हैं लेकिन यहाँ दिया कर दिया हैसियत रखने वाले और यही जमील है जिनके लिए इनामात है जी का इंतजार कर रहे हैं उनके फैन सामने सब घूम घूम के देख रहे हैं सनी भाई समझ जाओ ये ऐसा के भाई जाने आने वाली गेंद करने की कोशिश दोबारा को हार की जाने तो वो हसनैन आए आगे जाने की कोशिश जारी है तंग रास्ते में अंदर दाखिल होने की कोशिश बढ़ते कदम आए यंग 11 बनू का नंबर आ गया है ये है जमीन लगा कंट्रोल किया टच किया टच हुआ फुहार के खिलाड़ी पे बाल मिले हैं बालों को काफी अच्छे काफी बेहतरीन और शॉर्ट प्लेयर को यहाँ बनो का सवारी है फुहार की जान से बाल मिली जवान और को राइट आउट की पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कंट्रोल कर लिया है मैनेज भी कर लिया है लेकिन कितने जान काफी Thank you.
कौशल गेंद को आगे बढ़ा दिया, लेकिन अगर पूछा काम होना है और फिर वो दोनों हाथ को जाते जाते बराबरी की सतह पे इख्तिताम की जानिब रवा दवा हो, तो ये बात बड़ा अजीब सी है, यहाँ कोई झंझोड़ रही है, लेकिन उम्मीद है भाई, कभी उम्मीद है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि इख्तिताम का हाथ का यही शुरू में हाथ रहे। मैं ये कहता हूँ करेंगे करेंगे जरूर बनाएंगे और जो वहाँ गए बाबू के सर में लेकर वाह भाई वाह क्या है जुरतन आसानी वाली शायर भाई इस जवाब ये वो था बिल्ला ना अभी बोला और क्या भी दो और जिस तरह हमारे बिहार के जन ऐसे मन चले जवाब दोनों क्लब सुन रहे भाई, दोनों क्लब के खिलाड़ी सुन रहे हैं, दोनों क्लब के ऑफिशियल सुन रहे हैं, चेंज है। अगर मैच बराबर रहा तो फैशन है काफी टाइम सेकंड के लिहाज से दुनिया बदल जाती है और ये दुनिया को बदलने वाले वही जवान है, माहौल को बदलने वाले हमारी मौज मस्ती में अभी भी बादशाह है, हम जो दिल को तोड़ देते हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं। वाह भाई ये है सागर, ये है सागर, और नहीं तो शामिल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, एक मरतबा झंझोर के रख दिया। मनु की इस अपॉर्चुनिटी ने आखिरकार बर्ती के माहौल में अपने आप को ला खड़ा कर दिया। तो साके भाई आपकी नजर होगा बिलाल शर्त का गोल लगाने का, बिलाल बिजनी हमारे शाहीन साहब रिटान के फैन, उनका 1000 मेरे पास है, मेरे से लेते जाना, लेकिन भाई अब आगे देखिए आगे क्या होता है, सितारों से आगे जाए मजा तो मैच का लेफ्ट शॉट आ गई है, अब मैच में कम कहने वाला माहौल आ गया है, कोई दिफा करेगा और इख्तिताम से पहले रिजल्ट क्या आता है और कल कौन खेलेगा, कल कौन इन एक्शन होगा, हमारे मुल्तान से आने वाले हमारे जवान हमारे मेहमान लगा दिया शामिल, एक मतलब खतरे ही खतरे हैं, खतरे ही खतरे हैं भाई साहब, लेकिन दोबारा अपने अपने को ही लगा दिया कुरैशी और अली नसामी, हाँ भाई ये है कौन, ये है कौन, और कीपर को टेस्ट करना तो दे दिया लगा भाई लगा है जो मिलता है, कोड लगाओ कोड लगाओ भाई, बुलंदियों तक जाना चाहते हो तो एक सेकंड के लिए मिला रखो, ये है भाई जमीन के लिए बराबर लगाना हमारे कसूर थोड़ा खुश हो और लूज गॉड और लूज गॉड, ऐसे वक्त में आए कि क्रिटिकल हमारे से चार है या ब्रदर के हार्ट तो कैसे रहने से बाहर, कल इंशाल्लाह हुसैन टेक्सटाइल में मुल्तान मुकाबला करेगा यंग हीरो बकर के साथ, ये टूर्नामेंट का दूसरा क्वार्टर फाइनल होगा, देखते जाएंगे नजारे जाते जाते आप से इश्क से खेलो के तो चल जाओ क्रैश लगाए लगाए वाले ये लिए जीरो बेटा खुश है दो 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 कैश किया वाह 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 आ एक मतलब फिर मनु का सागर में एक्शन तो अब लगता है गुहार का सीने पे रोका दानों में अनुमान दान की बारी का जा के असरैन जमील और उनके साथी करने की नियत में है, अगर मौका मिला अगर चांस मिला अदनान भाई शेरे शोरे तापो भी शंदा ता विंदा भाई रतामे का गनी दतला लाड़े लाड़े और क्या एक मरतबा फिर को हार के स्टापर
अब देश का नाम है सेंट्रल लाइन को क्रॉस किया, नगर उठाए दे दिया है 20 नंबर की शॉट में कोको को, लेकिन संभाल ना सके। ये है शमी, इसे कहते हैं कांटेदार माहौल। एक सेकंड के लिए भी कोई रुकता नहीं, माहौल है कि आगे से आगे जा रहा है। ये फुटबॉल की दुनिया है, जादू नगरी है, अपसेट हो जाता है, कभी कभी अपसेट हो जाता है। और सोच और ये गए राशन गए, वहीं से लगा लिया बिल्कुल उछलते कूदते, चार कदम और भी आगे गए, दे दिया अपने साथी को। और इसी तरह राइट आउट की पोजीशन पे बाल मेरी है श्री राज को लगा सके, दूसरा लगाने का हक था। बनो शमीम से उनके साथी संडल हाफ 6 नंबर की शॉट में, बीच में देखा अपने साथी को के बिल्कुल पारे में अकेले हैं, बढ़ते जा रहे हैं, काफी अच्छी और खूबसूरत वन नेशन मोमेंट बनाते हुए राशिद गाय राइट आउट की पोजीशन पे राशिद गाय लगा लिया, लेकिन दिखाते गए साथर ने आगे जाने नहीं दिया, उनके लिए फुल स्टॉप, उनके लिए छोटी ब्रेकर बांध और बड़ी ब्रेकर बांध कहते हैं कि जमील के लिए, अदनान के लिए मेरा ऐलान बरकरार है। इतने चुपचाप के रस्ते भी रहे लाइलम छोड़ जाएंगे किसी रोज, मगर शाम के बाद और कभी तो लौट के, अभी तो लौट के आएगा वो आवारा मिजाज, यही आवारा मिजाज, यही आवारा मिजाज, और ये है हमारे जमील। होने वाली है और कुहार के लिए काफी बड़ा शॉट, काफी बड़ी लड़का है, बढ़ते कदम अदनान के, शत कदम और भी आगे गए, लेकिन हेड लगा के आउट लाइन से बाहर कर दिया। तो नवीन शामी को शाम की अजान का वक्त है, अजान होने वाली है या फिर आगे हमें मिले, बाहर कैच हार और जीत ये खेल का हिस्सा है, ये मानना पड़ेगा, ये कड़वा सच है। हार के बावजूद तमाम प्यारा क्राउड बैठा है कि शायद मैं भी जाते जाते हमें वो नज़ारे मिले जो अक्सर बारहा देखा करते हैं, इस नज़ारे के लिए तो यहाँ हर Thank you.